खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ से है। शिवपुरी जिले के बैराड़ नगर अंतर्गत आने वाली कृषि उपज मंडी में लगभग दो दिनों से ट्रॉली लगाकर फसल बेचने के लिए खड़े किसानों की फसल कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के द्वारा नहीं खरीदी जा रही है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का आरोप है कि हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली फसल बेचने के लिए दो दिन से लाइन में लगे हुए हैं। व्यापारियों द्वारा हमारे ट्रैक्टरों की फसल पर बोली ना लगाते हुए सिर्फ दो ट्रैक्टरों को छोड़ दिया है। उनके द्वारा कहा गया कि बाहर से आए हुए किसानों की फसल को नहीं खरीदा जाएगा, जिसकी शिकायत आज किसानों के द्वारा तहसील कार्यालय बैराड़ में नायब तहसीलदार बी के शर्मा से की गई है। वहीं दूसरी तरफ नायब तहसीलदार बी के शर्मा ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी फसल को खरीद लिया जाएगा लंच के बाद। वही किसानों का कहना है कि वह दो दिन से अपनी फसल बेचने को लेकर मंडी में भूखे प्यासे डले हैं, पर मंडी व्यापारियों के द्वारा उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है, जिससे वह काफी परेशान बने हुए हैं। और पत्रकारों ने जब व्यापारियों से संबंध में बात की तो व्यापारियों ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम बाहर न क्षेत्रीय सभी किसानों की फसल पर हर रोज खरीद रहे हैं। कृषि उपज मंडी बैराड़ के कर्मचारियों द्वारा कूपन वितरित किए गए थे, इन किसानों को कूपन नहीं दिए गए, जिसमें जो भी लापरवाही देखने को मिली है मंडी कर्मचारियों की है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम साहब सिंह कनाकेड़ी। कहाँ के रहने वाले? कनाकेड़ी। तो क्या कुछ क्या मामला है? ये मामला साहब, हमारे कल 8 बजे का ट्रैक्टर था, हम भूखे प्यासे अंडर रहे, हमारे मंडी काजे भी आए डाक लगावे, तो हमारे दो ट्रैक्टर छोड़ने के बाद में 50 ट्रैक्टर मैंने बेच दी। जी मामला साहब। तो क्या बोला उन्होंने? इनने जो बोला कि तुम बाहर के ट्रैक्टर तो मंडी में माल बेच सकते, हमारी मंडी में आएंगे तो हमारी मर्जी से माल बेचेंगे। तो इसकी आपने कहाँ शिकायत दी? हमने शिकायत तहसील में की साहब। तो उन्होंने क्या बोला? तहसीलदार साहब नहीं थे, हम जान एसडीएम साहब नहीं थे, हम जान फिर हम वापस हो गए, सेक्रेटरी साहब के यहाँ आए। सेक्रेटरी साहब ने क्या बोला? अभी तो जो बोल दिया गुमराह कर रखा है साहब, अब ट्रैक्टर रखे हैं, हाँ तुम्हारा माल बेच जाएगा, जे कह देगी बनना। और तहसीलदार साहब आए थे? तहसीलदार साहब नहीं है, हम जानते हैं साहब आए तो थे, मैं जानता तो हूँ साहब, ना मैंने बताई ना लिख रही तहसीलदार साहब है जी। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम जैसा साहब माल बेचा, हम घर को जा रहे हैं, नहीं ले तो घर को जा रहे हैं, हम तो डीजल बार गए घर से आ गए, हमें मंडी नहीं है साहब, हम घर को बच जाएंगे, बात खत्म, हम कल पूरी मंडी में बेच देंगे। कितने ट्रैक्टर हैं ऐसे? हमें दो ट्रैक्टर साहब, ये तो बागवे सर मोना को और ये कनाकड़ी को साहब, मैं पूरी मंडी लगता है। मैं आपका मलकान। कौन से गाँव के हो? मोना। तो मंडी में आप माल बेचने आयो, क्या कुछ मामला है? माल बेच भी आया। हाँ तो क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या जी आ रही है, हमारे कैटल लाई नहीं है, व्यापारी तो क्या बोल रहे हैं वो? अच्छा भाई ना रहे व्यापारी। तो आपने उनसे बोला नहीं? बोला भाई, ये तो क्या है कहीं नहीं बस, कहो चले गए फिर क्यों छापा तो क्या क्या चक्कर है? फिर उसके बाद आपने इसकी कहीं कोई कंप्लेंट शिकायत कहीं किससे की है? तो सीधे तहसील ले गए। तो फिर क्या सुना रहे बारे के टेंडर? तहसीलदार साहब ने क्या बोला? चलो ले जाओ टेंडर मंडी में, फिर बोली ले पाऊंगा। तो अभी क्या हुआ? अब कुछ हुई नहीं रहा। तो अभी तहसीलदार क्या बोल के गए हैं? तहसीलदार साहब ने बोल दिया है कि बोली लगा देंगे। कितने ट्रैक्टर हैं आपके? सिर्फ दो ही हैं बाहर के।